Assalamu alaikum to all the members of Tahabeg and you are watching Biomedical Awareness with Taha Mirza. आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम वेंटिलेटर है, जिसको जॉन हेवन इमर्सन नामी बंदे ने 1950 में बनाया था। वेंटिलेटर एक ऐसा बायोमेडिकल इक्विपमेंट है जो पेशेंट को मस्नूई सांस देने का काम करता है, जिसको अंग्रेजी जबान में आर्टिफिशियल ब्रीथिंग भी कहते हैं। ये पेशेंट को जब लगाया जाता है जब पेशेंट खुद सांस नहीं ले पा रहा होता या उसको सांस लेने में दुश्वारी पैदा हो रही होती है। इसके ज़रिए हम पेशेंट को फेफड़ों में मस्नूई सांस लेने वाली हवा भेज रहे होते हैं, इसी के साथ साथ बाहर निकाल भी रहे होते हैं। इस पूरे प्रोसेस को मैकेनिकल वेंटिलेशन भी कहा जाता है। वेंटिलेटर ICU, CCU, HDU और ऑपरेशन थिएटर जैसी जगहों पर पाए जाते हैं। जिस चीज़ के ज़रिए हम पेशेंट को सांस देते हैं वो वेंट मास्क होता है, और जिस ट्यूब से वो वेंट से कनेक्ट होता है उसको वेंट सर्किट कहा जाता है। अक्सर बेशतर जब पेशेंट की कंडीशन काफ़ी सीरियस होती है।